मेरा नाम जगदीश यदुवंशी, एरिया मैनेजर कलस सीड कंपनी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। आज मैं यहां पर एक गोभी के खेत पर हूं किसान भाइयों, और यहां हमारे किसान भाई ने कौन सी गोभी की वैरायटी लगाई है और किस कंपनी का ये बीज लगाया है, किसान भाई से बात करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। सबसे पहले आपका नाम बताइए। निर्मल कुमार धाकड़। गाँव तलावदा, तहसील डुंगला, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। जी हाँ, आपने ये कौन सी गोभी यहाँ पर लगाई? कलच की लगाई थी, 1606। 1606 लगाई। तो आपने ये कब लगाई ये गोभी? ये 1 मार्च को बीज तैयार किया था। 1 मार्च को बीज तैयार किया। पास में दूसरी कंपनी की भी लगी हुई है। आपको ये गोभी कैसी लगी? जो वैरायटी आपने लगा रखी है और ये लगा रखी है, दोनों में क्या अंतर आया? इसमें इसके हाइट थोड़ी बड़ी है। फूल का साइज बराबर है या बड़ा? फूल का इसका ठीक है। और कलर में? कलर इसका व्हाइटनेस ठीक है। वो पहले आई थी कि ये पहले आई थी? आने में तो सेम ही आ गई। सेम आई दोनों। आज जो दिनांक है 24 मई 2024 है, हमारे किसान निर्मल जी धाकड़ कानोड़ है, जिला उदयपुर राजस्थान के हैं। इन्होंने हमारा कॉलीफ्लावर KSP 1606 मीरा पास में दूसरी कंपनी का हाइब्रिड लगाया। 1 मार्च को इन्होंने ये वैरायटी लगाई और हमारे किसान का हाइब्रिड लगाया 1 मार्च को इन्होंने ये वैरायटी लगाई और हमारे किसान भाई इसकी कटिंग कर रहे हैं। और बहुत ही शानदार वैरायटी, आप इधर देखिए, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी इनका, इधर दिखाइए भैया। ये दूसरी कंपनी का वैरायटी है किसान भाइयों। दोनों वैरायटियों में कलर का अंतर है। कलस कंपनी का 1606 है और ये दूसरी कंपनी की वैरायटी है। हमारे किसान भाई का कहने का 1606 उसके पौधे की जो ऊंचाई है ज़्यादा है वनस्पत दूसरी कंपनी के हाइब्रिड से, उस पर सफ़ेदी ज़्यादा है। अगर हम फल के वजन की बात करते हैं तो 800 ग्राम 700 ग्राम का फल है अभी जो निकल रहा है, कि इस तरीके से चल रही है। बहुत ही शानदार वैरायटी किसान भाइयों ने शुरू किया और अभी तक लग रहा है, ये अभी पूरे जून लगेगा, जुलाई लगेगा। बहुत बाज़ार में क्या रेट मिल रहा है अभी? बाज़ार में 25-30 रेट मिल रहा है। तो आपके हिसाब से किसान भाइयों को ये वैरायटी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? ठीक है, तो इसको लगाना चाहिए। तो और आप लोगों को और मैं ढेर दिखा देता हूँ। आज तो इसको लगाना चाहिए। तो और Thank you.